हेलो गाइस, दिस इज़ रीना यादव. वेलकम यू ऑल ऑन रीना यादव क्लासेस. एंड टुडे आवर क्लास इज़ ऑन ऑटोमेटा, मीन्स थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. एंड टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ DFAs. ओके, इन लास्ट वीडियो वी टेक सम एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल ऑफ DFA कंस्ट्रक्शन. ओके, इन दिस वीडियो ऑल्सो वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सम DFA टेकिंग द लैंग्वेज. ओके, so let's start with the example first. okay, this video is for the guys jinko pata nahi ki DFA hota kya hai, kaise construct karte hain. theek hai, to means construction jab tak aapko nahi aayegi means finite automata ki, tab tak aap further uska jo basic hai ya fir jo uski mechanism hai usko aap samajh nahi paoge. theek hai, to aapko means DFA construction must hai. theek hai, ki aapko koi bhi फाइनाइट ऑटोमेटा है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, चाहे वो DFA हो या फिर NFA हो. ओके, सो चलो देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल जो लैंग्वेज है वो गिवन है, इवन नंबर ऑफ एज. ओके, कि जो हमारे पास ए है. ओके, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी अल्फाबेट है ए, उसमें इवन नंबर होने चाहिए. ठीक है, तो इससे हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या बनेगी, स्ट्रिंग्स है वो क्या बनेगी, एक तो लैम्डा सेट करेगा. ठीक है, क्योंकि लैम्डा तो क्या है, नल स्ट्रिंग, वो तो हर NFA DFA एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो नल को एक्सेप्ट करेगा, इवन नंबर बोला तो सिंगल ए तो एक्सेप्ट होगा नहीं. ठीक है, तो डबल ए को एक्सेप्ट करेगा, फोर टाइम ए को एक्सेप्ट करेगा, सिक्स टाइम ए को एक्सेप्ट करेगा, मीन्स इवन नंबर ऑफ ए को वो एक्सेप्ट करेगा. तो ये हमारे पास बन गई है स्ट्रिंग्स. ओके, इस लैंग्वेज से ये हमने स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट कर ली है. ठीक है, हमें जो एग्जामिनर जो पूछेगा वो सिर्फ पूछेगा कि लैंग्वेज ये गिवन है आप लोग आपको. ठीक है, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग खुद जनरेट करनी पड़ेगी अगर उसने नहीं दी है तो. अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या लेना है, स्टार्टिंग स्टेट, दैट इज़ क्यू नोट. ओके, हमने स्टार्टिंग स्टेट ले ली है क्यू नोट. उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी लैम्डा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा देना है. ठीक है, वो तो एक्सेप्ट होगी ही. ठीक है, यहाँ पे हमारी लैम्डा स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होगी. अब हमारे पास आता है ए. ठीक है, तो ए को हम फर्दर किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे भेज देते हैं. ठीक है, यहाँ से हमारा ए गया इस स्टेट पे, बट ये एक्सेप्ट नहीं होगा तो इसको हम फाइनल स्टेट नहीं बना सकते क्यू वन को, क्योंकि यहाँ पे तो ए हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो सिर्फ ओड नंबर हो गया ना ए का, इवन एक्सेप्ट होगा हमारा. तो हम एक और ए ले लेते हैं, एक और ए हमने ले लिया, वो हमारा गया नेक्स्ट स्टेट पे. इसको या हम क्यू एफ कह लो या क्यू टू कह लो. अब देखो इवन नंबर है, ए का आ गया, एक्सेप्ट हो गया, ये हमारी फाइनल स्टेट बन गई. ठीक है, तो यहाँ से मीन्स ये हमारा DFA है वो कंस्ट्रक्ट हो गया. अब देखो बात होती है सिर्फ DFA कंस्ट्रक्ट करने की, उसके बाद होता है कि मिनिमाइज. वो जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है UGC के एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछेगा कि मिनिमम हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेजेस आर देयर इन दिस फॉलोइंग DFA, कि इस जो लैंग्वेज से जो इंस्ट्रिंग से जो DFA बन रहा है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेजेस कितने. तो आपके सामने ऑप्शन गिवन होंगे 2, 3, 4, 1. ठीक है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे. अब आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दिया, बट इसको मिनिमाइज़ करना भी आपको आना चाहिए. ठीक है, मीन्स हमारे स्टेजेस कम से कम हों. ओके, तो मिनिमाइज करते हैं इसको. चलो ठीक है, यहाँ से हमने क्यू नोट लिया था, इस पर हमारी जो लैम्डा है जो नल स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई थी. ठीक है, उसके बाद हमारा आया था ए. ओके, और वहाँ से हमने उसको भेज दिया था क्यू वन स्टेज पे, एक्सेप्ट नहीं हुआ था. अब देखो हमें दो दो फाइनल स्टेट की क्या जरूरत है, जब हमारे पास ये क्यू नोट फाइनल स्टेट है, जब ये एक्सेप्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो दूसरा ए आएगा उसको हम वापस यहाँ पे भेज देंगे. मीन्स यहाँ से ए गया, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, वापस ये इधर आया, तो इस स्टेज पे ये एक्सेप्ट हो गया. तो देखो अब ये वाली जो हमारा DFA बन गया वो विद टू स्टेट्स. ओके, यहाँ पे थ्री स्टेट्स थी, ठीक तो ये भी था क्योंकि ये भी इवन नंबर को ही एक्सेप्ट कर रहा है ये जो फर्स्ट वाला है, बट जो सेकंड वाला है उसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो मिनिमम है. ओके, सो ये डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्शन करने में हमें क्या मतलब चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना है कि जो स्टेजेस हैं वो हमेशा मिनिमाइज हो. ओके, सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया DFA का. ठीक है, ट्रांजिशन टेबल मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, बहुत इजी है, उसमें कोई है नहीं कुछ बनाने का, तो आप लोग बना सकते हो बहुत ही आसानी से. ठीक है, इसी तरह अगर हम ओड नंबर. ओके गाइस,
चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे, दो DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक हमारा हो चुका एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, DFA कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमारे पास जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, स्ट्रिंग दैट इज एंडेड विथ ए, ठीक है, मीन्स कोई भी स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट ए से एंड हो रही है, मीन्स स्टार्टिंग चाहे ओवर द अल्फ़ाबेट्स ए एंड बी, मीन्स जो अल्फ़ाबेट्स हमें गिवन है वो गिवन है ए एंड बी, और जो स्ट्रिंग उससे बन रही है जो हमारी, ठीक है, जो स्ट्रिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वो हमारी क्या है, ए से एंड हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या लैंग्वेज बन जाएगी, देखो मीन्स स्टार्टिंग तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है, मीन्स जो एंड है वो ए से होना चाहिए, तो हमारे पास बी ए हो सकती है, ठीक है, बी बी ए हो सकती है, बी ए ए हो सकती है, ठीक है, मीन्स एंड में ए आना चाहिए। तो कितनी भी स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं जिनके एंड में बी आए, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं DFA, ओके। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वही क्या आएगा, क्यू नोट स्टेट आई, इनिशियल स्टेट जो होती है हमारी, ठीक है। अब लगा लो कि हमारे पास आया बी, ठीक है, बी आया हमारे पास, तो क्या करेंगे हम उसको इसी स्टेट पे रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि सिर्फ जो स्ट्रिंग है वो एंड होनी चाहिए ए पे, सिर्फ उसने वो कंडीशन दी है, तो हमें सिर्फ वो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो बी आ गया, उसको हम यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया ए, क्योंकि अगर बी को हम यहाँ पे भी ले सकते थे नेक्स्ट स्टेट पे भी, तो फ़ायदा क्या होता, हमारी नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीज़ होती, बल्कि DFA में करना क्या होता है कि मिनिमाइज़ करना होता है स्टेजेस को, ठीक है। तो मीन्स क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा बी है वो इसी स्टेज पे रहेगा, ठीक है, हमें फर्दर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ए आया अब हमारा, ठीक है, यहाँ पे ए आया, तो ये वाली स्ट्रिंग बन गई, ये हमारी मीन्स एंड हो गई स्ट्रिंग, ठीक है, मिनिमम स्ट्रिंग लगा लो कुछ भी लगा लो, ये QF बन गया हमारा, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। अब ये बन गया बी और ए, मीन्स बी भी एक्सेप्ट हो गया, ए भी एक्सेप्ट हो गया, बी आए मीन्स ए से पहले कितने भी बी आए यहाँ पे ना, इस बी के लूप का मतलब हुआ कि इस स्टेट पे बी चाहे कितने भी हों, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ए आ रहा है तो वो यहाँ पे जाके एक्सेप्ट हो जाएगी, ओके। तो ये बी मीन्स कितने भी बी 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 हों, उसके बाद ए आ गया तो ये एक्सेप्ट हो गई, और उसके बाद कितने भी यहाँ पे ए आ जाए, ठीक है, क्योंकि ए एंड में होना चाहिए, तो यहाँ पे कितने भी आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लूप लगा दिया ए का, ठीक है, मीन्स कितने भी यहाँ पे ए आ जाए तो वो इस स्टेट पे एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो मीन्स ये स्ट्रिंग ए से एंड हो रही है। अब किसी का डाउट होगा कि देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमें हमारे पास जो अल्फ़ाबेट गिवन है वो हमारे हर एक स्टेट पे ओकर होते हैं DFA में, ठीक है, तो उनको हमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन दे के किसी ना किसी स्टेट पे मीन्स उसको ट्रांजिट कराना पड़ता है, ठीक है। तो बी को मैंने यहाँ पे करा दिया, ए को नेक्स्ट स्टेट पे करा दिया, अब यहाँ पे मैंने ए का तो ट्रांजेक्शन करा दिया, बी का इसी स्टेट से जो ये फाइनल स्टेट हमारी बनी है इससे बी का ट्रांजेक्शन है वो कहाँ जाएगा, अगर मान लो इस पे बी आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है, मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग फ्री स्ट्रिंग हमारी बन के आ जाएगी, जैसे बी ए फिर कितने भी ए आ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर बी आ गया तो वापस इसको यहीं पे भेज देगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर इस पे फाइनल पे बी आ गया तो वापस यहीं भेज देगा, उसके बाद फिर से बी आ गया और फिर से ए आके वो यहाँ पे ए आएगा तो फिर से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कि जो एंड में है वो हमारा ए ही आएगा, ठीक है, तो ये हमारा उसके लिए DFA बन जाएगा, ठीक है, मिनिमम DFA इसमें टू स्टेज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था जब कोई स्ट्रिंग एंड होती है ए के साथ, जब हमें अल्फ़ाबेट्स का सेट नहीं गिवन होता ना, डायरेक्ट स्ट्रिंग गिवन होती है या डायरेक्ट लैंग्वेज गिवन होती है, तो हमें मीन्स डबल ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो बोलता कि स्ट्रिंग एंडेड विद ए तो हम ए ए ही ले लेते, ठीक है, तो हमें बी की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसने बोला ओवर द अल्फ़ाबेट ए एंड बी, तो अगर ए एंड बी की वो बात कर रहा है तो मीन्स हमें बी का ट्रांजेक्शन भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, आई थिंक कि इतना बहुत होगा समझने के लिए गाइज आपको, ठीक है, अगर फिर भी इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं आप लोगों को और भी वीडियो अपलोड करके समझा दूँगी, आप बस कमेंट कर देना या फिर मैसेज छोड़ देना, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज है स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी ओवर द अल्फाबेट सेट ए एंड बी, ठीक है, ये हमें लैंग्वेज गिवन है।
ठीक है, कि कोई भी स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है, और जो अल्फ़ाबेट का सेट हमें गिवन है वो ए एंड बी गिवन है। ओके, तो ए से स्टार्ट होके बी पे ख़त्म होके ऐसी हमारे पास क्या स्ट्रिंग बन जाएगी? तो देखो हमारे पास बन जाएगी ए बी, है ना, ए ए बी, ट्रिपल ए बी, ए बी बी, मतलब कितनी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब कुछ एक को अगर एक्सेप्ट कर लेते तो हम मान लेते कि हाँ वो सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। कुछ एक को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ बीच में कुछ भी घुसा दिया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं, कुछ एक को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो पैटर्न है उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस पैटर्न के बेस पे चाहिए फिर ए से स्टार्ट होने वाली बी पे एंड होने वाली कितनी भी स्ट्रिंग बन जाए सबको एक्सेप्ट करेगा। तो हमें वो पैटर्न, उस पैटर्न को फाइंड आउट करके उसके लिए डी एफ ए कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, तो चलो हमारी स्टार्टिंग स्टेट हो गई क्यू नोट। ओके, अब हमारे पास आया ए, ठीक है, हमने फर्दर उसको मूव करा दिया, स्टार्टिंग होनी चाहिए ए से और एंड होना चाहिए बी से। ठीक है, ए को मूव करा दिया नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेट पे। ओके, उसके बाद कितने भी ए आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम लूप लगा देते हैं, स्टार्टिंग में ए आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो कितने भी ए आते जाए इस वाले स्टेट पे ए आया हमने लूप लगा दिया, बी आया तो हम नेक्स्ट पे चले गए। ठीक है, अब देखो ए और बी, स्टार्ट हुई ए से और एंड हो गई बी पे, तो ये हमारे पास मीन स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई और ये हमारे पास बन गई फाइनल स्टेट। ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हुई बी पे एंड हो गई, तो ये हमारी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मीन्स यहाँ ए से स्टार्ट हो रही थी वो, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रही थी तो ए तो कितने भी आ जाए जाए, है ना, फर्क नहीं पड़ता ना, ए तो कितने भी आ जाए, तो यहाँ पे ए कितने भी आ जाए सिर्फ वो स्टार्टिंग सिंबल है, एंडिंग सिंबल हमारा क्या है यहाँ पे बी है, बी एंडिंग है यहाँ पे, तो मतलब कितने भी बी आ जाए, बी के बाद कितने बी आ जाए, तो एंड तो बी से ही हो रही है ना स्ट्रिंग, उसने यही बोला कि एंड बी से होनी चाहिए इसलिए हम यहाँ पे बी का लूप लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये वाली जो इंटरमीडिएट स्टेट है इस पे हमने ए का ट्रांजेक्शन भी करा दिया बी का भी करा दिया। ओके, इस पे हमने बी का ट्रांजेक्शन करा दिया, अब इस वाले स्टेट पे अगर लगा लो कि बी के बाद ए आ गया कहीं, इस बी के बाद चलो बी आ गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट इस बी के बाद अगर ए आ गया तो क्या होगा, तो अगर ए आ जाता है तो उसको हम इंटरमीडिएट स्टेट पे भेज देंगे। ठीक है, अगर बी के बाद ए आ जाता है तो उसको इंटरमीडिएट स्टेट पे भेज देंगे, तो इंटरमीडिएट स्टेट पे जाएगी तो क्या होगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि उसके एंड में तो ए आ गया ना, एंड में तो बी होना चाहिए। ठीक है, तो मींस ए आ गया तो हम इस पे भेज देंगे। अब देखो स्टार्टिंग स्टेट पे हमारी ए की ट्रांजेक्शन तो हो गई थी कि ए आ गया तो इंटरमीडिएट स्टेट पे चली गई, अब यहाँ पे अगर बी आ जाता तो हम क्या करते, बी आता तो उसको हमने क्या कर देना था, डेड स्टेट पे। ठीक है, उस बी को हम एक इमेजिनरी स्टेट जिसको बोलते हैं डेड स्टेट वहाँ पे भेज देते। ठीक है, मींस उसकी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कराते। ठीक है, और यहाँ पे फिर ए बी कुछ भी आओ वो डेड पे ही चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डी एफ ए कंस्ट्रक्ट हो गया है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। अब आप कोई भी स्ट्रिंग बना लो जो ए से स्टार्ट हो रही है बी से एंड हो रही है वो, और फिर देखो कि वो उसको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही। चलो अब हम ये वाली स्ट्रिंग बना लेते हैं, थ्री टाइम ए एंड थ्री टाइम बी। ठीक है, स्टार्ट हो रही है ए से एंड हो रही है बी से। ओके, अब देखते हैं ए आया, ठीक है स्टार्ट हो ए आया, थ्री टाइम ए आना चाहिए। ठीक है, एक टाइम यहाँ से आ गया, लूप लग रहा है मतलब यहाँ से कितने टाइम भी चल सकता है, तो दो टाइम यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ट्रिपल ए हो गया। अब उसके बाद बी हमें चाहिए, हाँ अब बी आ गया हमारे पास, उसके बाद बी का लूप है। ठीक है, तो टू टाइम बी। ओके, तो मीन्स ये स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई, मीन्स जो फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमारी गिवन लैंग्वेज के लिए प्रॉपर है। ओके, सो ऐसे हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं डी एफ ए। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, तीन एग्जांपल हो गए, होप यू गाइज गेट ए लिटल नॉलेज अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट डी एफ ए। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए डी एफ ए एन एफ ए हर एक की, तभी हम फर्दर जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे डी एफ ए एन एफ ए से रिलेटेड। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव